आज हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसका फ्लो एग्जीक्यूशन को समझेंगे। तो यह एक प्रोग्राम है, यहाँ हम यू नाम का एक वेरिएबल है जिसे रोक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की गई है, और सेकेंड वेरिएबल है यू टू जिसे पेपर स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की गई है। इफ यदि यू वन इक्वल टू यू टू होता है तो यह प्रिंट करेगा इट इज अ टाई, बट यह रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है यू वन इक्वल टू यू टू, क्योंकि यू वन की वैल्यू होती है रॉक, इक्वल टू पेपर, यह बिल्कुल फॉल्स है, इसलिए इसका कंट्रोल होगा इलिफ की ओर। और इलिफ में हम देखेंगे कि यू वन इक्वल टू सीजर, तो देखते हैं यू वन इक्वल टू सीजर क्या है, रॉक इक्वल टू सीजर, यह भी रॉन्ग है, इसलिए इसका कंट्रोल ऑफ फ्लो होगा सेकेंड इलिफ की ओर। बट यदि यह ट्रू रहता तो यह इलिफ का जो ब्लॉक है उसमें जाता और इफ कंडीशन को रीड करता। इस स्टेटमेंट में यू टू इक्वल टू रोक, यदि यह रॉन्ग होता तो यह एल्स को रीड करता और प्रिंट करता पेपर विंस, बट यह रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर इफ स्टेटमेंट सेकेंड इफ स्टेटमेंट में कंट्रोल हुआ। यदि हम सेकेंड को देखते हैं कि यू वन इक्वल टू पेपर, हम देखते हैं कि यू वन इक्वल टू पेपर क्या था, क्योंकि पेपर यू वन में है हमारा रॉक इक्वल टू पेपर, इसलिए यह भी रॉन्ग है, तो यह डायरेक्ट आएगा एल्स पर जो कि प्रिंट करेगा इनवैलिड इनपुट। और उसी तरह यदि यह ट्रू रहता तो यह करता यह इफ एलिफ के ब्लॉक में जाता और इफ को रीड करता और यू टू इक्वल टू सीजर करता, बट यह भी प्रिंट रहता तो सीजर विंस करता, बट यह रॉन्ग है, रॉन्ग होता तो यह एल्स को एल्स में जाता, एल्स को रीड करता और प्रिंट करता रॉक विंस। बट इस पूरे प्रोग्राम में हमने देखा कि U1 जो फर्स्ट इफ वाली स्टेटमेंट है उसमें U1 इक्वल टू U2 होता है जो रॉन्ग है, सेकेंड यह इलिफ की ओर कंट्रोल करता है, U1 इक्वल टू सीजर यह भी रॉन्ग है इसलिए सेकेंड इलिफ की ओर कंट्रोल करता है, तो U1 इक्वल टू पेपर यह भी रॉन्ग है तो इसलिए डायरेक्ट एल्स को रीड करता है और प्रिंट करता है इनवैलिड इनपुट। थैंक यू।